राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मेरे चैनल बित्रे रश्मि रसोई ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। देखिए, ये मेरा करवा चौथ शॉपिंग का मैंने यहाँ पर अपना ब्लॉग डाला है। ये जा रहे हैं हम रिक्शे में बैठकर करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए। गए थे हम एक कॉस्मेटिक की शॉप पर, जहाँ से मुझे कुछ श्रृंगार का सामान लेना था करवा चौथ पर देने के लिए अपनी दीदी को। यहाँ पर हमने इस शॉप से कुछ मेकअप का सामान खरीदा। एक छोटी सी शॉप थी, वहीं से हमने सारा ये सामान अपना ले लिया। हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस छोटा मोटा अपना श्रृंगार का सामान लेना था जो कि मुझे दीदी को करवा चौथ पर देना था। यहीं से हमने अपना सारा मेकअप का सामान लिया। अब हम चल दिए यहाँ से दूसरी शॉप पर। देखिए, आइए देखिए हमारे शहर की मार्केट, दिखाते हैं आपको। ये हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है, छोटा सा मार्केट है। यहाँ पर हमको सारी चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से। यहाँ मुझे कुछ अपने डेली वियर के लिए स्लीपर ख़रीदने थे, इसी शॉप पर आई थी मैं। मैंने कहा चलो यहीं से ले लेते हैं, बस मुझे डेली के लिए चाहिए थे थोड़े कम्फर्टेबल। हमने यहाँ पर बहुत सारी स्लीपर देखी, कोई भी समझ में नहीं आ रही थी कैसी। मैंने कहा भैया ऐसे दिखाओ वैसे दिखाओ, लेकिन कोई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे थोड़ी कंफर्टेबल चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाली ली थी। यहीं पर मुझे बहुत अच्छी लगी थी बानू के लिए ये स्लीपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने कहा चलो बानू के लिए ले लेते हैं। प्राइस में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, महंगी नहीं थी बिल्कुल भी बानू की। यहाँ पर मैंने एक जोड़ी ये भी देखी थी, लेकिन ये साइज़ मेरे थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने ये वाला नहीं लिया। मैंने पूछा था भैया से, भैया इसमें छोटा वाला साइज है कि नहीं, बोले नहीं इसमें छोटा वाला साइज नहीं है। इसलिए मैंने अपने लिए एक जोड़ी ली थी, एक जोड़ी मैंने बानू के लिए भी ली थी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। यहाँ से हमने स्लीपर ले ली। अब यहाँ से हम फिर दोबारा निकल पड़े दूसरे मार्केट की तरफ। देखिए, यहाँ से फिर हम दोबारा रिक्शे में बैठे। हमें थोड़ी दूरी वाले मार्केट में जाना था, जहाँ से हमें कुछ साड़ियाँ लेनी थी अपने लिए करवा चौथ के लिए, इसलिए हम यहाँ से दूसरे मार्केट की तरफ गए। आ चुके हैं, थोड़ी दूरी पर है ये मार्केट हमारा घर से। यहाँ पर सारा सामान बहुत ही अच्छा मिलता है, ये हमारे यहाँ का मेन मार्केट है। बस अब हम साड़ी की शॉप पर जा रहे थे, हमें साड़ियाँ लेनी थी यहाँ पर। कुछ मुझे अपने लिए लेनी थी, कुछ देने लेने के लिए देनी थी दीदी वगैरह के लिए। साड़ी की शॉप पर आ चुके हैं। यहाँ नीचे सूट का कलेक्शन था, ऊपर था साड़ियों का कलेक्शन। तो पहले हम ऊपर गए साड़ी देखने के लिए। ये हमारे यहाँ की बहुत ही अच्छी शॉप है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, प्राइस में भी अच्छी मिलती हैं और न्यू कलेक्शन मिलता है अच्छा।
देखी। भैया हमें यहाँ पर साड़ियाँ दिखा रहे थे, थोड़ी हैवी में भी देखी थी, थोड़ी लाइट वेट में भी देखी थी, लेकिन मुझे थोड़े हल्के कपड़े में लाइट वेट की साड़ी चाहिए थी। भैया ने हमें दोनों तरह की दिखाई, बोले आपको जैसी पसंद हो आप ले लीजिए। अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखा रहे थे भैया, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी, लेकिन मुझे हैवी में नहीं लेनी थी, मुझे बस हल्की सी साड़ी चाहिए थी लाइट वेट वाली। यहाँ पर हम नीचे वाले कलेक्शन पर आए, हमें यहाँ पर कोई साड़ी समझ में नहीं आई थी और उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन इसलिए भैया हमें कुछ अच्छा नहीं दिखा पाए, क्योंकि शादियों की ज़्यादा शॉपिंग चल रही थी उस टाइम। तो हमने यहाँ पर नीचे वाले कलेक्शन पर सूट देखे, मुझे भी चाहिए था और ये मेरे साथ जो दीदी थी उनको भी सूट चाहिए थे, तो हम दोनों ने यहाँ से कुछ सूट भी खरीदे थे। बहुत अच्छे अच्छे सूट थे भैया के पास, उन्होंने हमें बहुत अच्छे अच्छे सूट दिखाए थे। अब यहाँ से हम सूट लेने के बाद चलते हैं दूसरी शॉप पर, हमने सोचा चलो दूसरी शॉप पर देखते हैं कोई अच्छी सी साड़ी हमें मिल जाए। साड़ी की शॉप से पहले हमने यहाँ एक कॉस्मेटिक की शॉप पर गए, जहाँ से हमने कुछ इयर रिंग्स वगैरह खरीदे। मुझे छोटे छोटे इयर रिंग्स खरीदने थे डेली वियर के लिए, हमने यहाँ से कुछ वो खरीद लिए। दीदी को भी कुछ चाहिए था यहाँ से, तो हम दोनों ने मिलकर यहाँ से कुछ छोटी मोटी शॉपिंग भी की। वहाँ से फ्री होने के बाद हमने खाए यहाँ पर गोलगप्पे, बाजार जाएं गोलगप्पे ना खाएं ऐसा कभी हो सकता है। फिर हमने यहाँ पर गोलगप्पे खाए, दीदी बोली चलो गोलगप्पे खाते हैं। वहाँ से फिर गोलगप्पे खाने के बाद हम फिर रिक्शे में बैठ कर यहाँ से चल दिए। फिर हमने कहा चलो दूसरी मार्केट चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं साड़ियाँ। यहाँ से मुझे कोई भी साड़ी पसंद नहीं आई थी। यहीं रास्ते में हमें एक शॉप मिली जहाँ ये टेसू और ये इसकी शॉप थी, तो मैंने यहाँ से आरब और बानू के लिए ये टेसू वगैरह लिए। यहाँ से मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा चलो लेके चलते हैं यहाँ से बानू और आरब के लिए। देखिए कितने प्यारे लग रहे थे, ये कलरफुल थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मैंने कहा चलो यहाँ से लेके चलते हैं बानू और आरब के लिए। हमने यहाँ से बानू और आरब के लिए ये सब लिए। फिर हम यहीं से गए एक दूसरी शॉप पर, जहाँ पर हमने साड़ियाँ देखी अपने लिए। बहुत सारी साड़ियाँ दिखाई भैया ने, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रही थी कि कैसी साड़ी चाहिए क्या कैसे। कोई साड़ी ठीक थी तो किसी की लेस ठीक नहीं थी, किसी की लेस ठीक थी तो किसी की साड़ी का कपड़ा ठीक नहीं था। फिर लास्ट में उन्होंने एक साड़ी दिखाई हमें, मुझे थोड़ी लाइट वेट में साड़ी चाहिए थी, मुझे हैवी में नहीं लेनी थी। उन्होंने कहा, मैंने कहा लाइट वेट में दिखाई है हमें। ये साड़ी देखी थी मैंने, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसमें कोई दूसरा कलर नहीं था, मुझे ये कलर थोड़ा कम अच्छा लग रहा था। मैंने कहा भैया इसमें दूसरा कलर दिखाओ, लेकिन भैया के पास इसमें कोई दूसरा कलर अवेलेबल नहीं था।
फिर मैंने यहाँ कुछ हल्की भी साड़ी देखी दीदी वगैरह के लिए देने के लिए, कंफर्टेबल प्रिंटेड, दीदी को प्रिंटेड साड़ी ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने उनके लिए प्रिंटेड साड़ी ही देखी। फिर उन्होंने लास्ट में मुझे ये साड़ी दिखाई, ये साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगी थी, कलर भी बहुत अच्छा था इसका, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा सही नहीं था। इसके साथ जो ब्लाउज था वो गोल्डन कलर में था इसलिए मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था साड़ी पे, मैंने कहा ये कलर थोड़ा कॉम्बिनेशन इसका सही नहीं है। ये था डार्क गोल्डन था, ये मुझे लग रहा था कि इसके साथ अगर रेड होता तो अच्छा कॉम्बिनेशन होता इसका। भैया बोल रहे थे इसका एक पीस बाहर भी लगा हुआ है रेड कलर का, लेकिन मैंने वो पीस देखा तो वो पीस मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, ये कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे बस इसके ब्लाउज पर थोड़ा डाउट लग रहा था कि ये ब्लाउज इसके साथ अच्छे से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर मैंने कहा चलो इसे एक बार डाल के देखते हैं। फिर मैंने इस साड़ी को डाल के देखा, अच्छी लग रही थी, कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था इसका, बहुत अच्छी लगी ये साड़ी हमें। मैंने कहा चलो देखते हैं, फिर बस थोड़ा ब्लाउज पर डाउट था हमें, मैंने कहा ब्लाउज अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, थोड़ा कॉम्बिनेशन सही नहीं लग रहा है इस ब्लाउज का हमें। लाइट वेट में थी साड़ी, कंफर्टेबल अच्छी, और लेस भी बहुत प्यारी लग रही थी इसकी, कपड़ा भी बहुत अच्छा था इसका। यहाँ से ये साड़ी लेने के बाद फिर हम चल दिए यहाँ से अपने घर की तरफ। यहाँ पर हम अपनी गली में आ चुके थे, ये जो शॉप थी वो हमारे घर से थोड़ी दूरी पर थी, ये हम अपनी गली की तरफ निकल लिए अपने घर आने के लिए। हमारी सारी शॉपिंग यहाँ पर हो चुकी थी पूरी, अब यहाँ पर आ गए हम अपने घर की गलियों में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी अपना प्यार दें, आगे भी हम आपको अच्छे अच्छे व्लॉग दिखाएंगे। फर्स्ट बार हमने ब्लॉग बनाया, हमें बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, पता नहीं कैसे लोग ब्लॉग बना लेते हैं बाहर घर से निकलकर, सब लोग हमारी तरफ ही देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। मार्केट में भी हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ा,